नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैट्रिक और प्लस टू एग्जाम्स को लेकर फिर से एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। दिन में वीडियो के माध्यम से 3 से 4 घंटे पहले मैंने आपको सूचित किया था कि सीबीएसई बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है और प्लस टू की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। साथियों, जैसे ही शाम हुई ये खबर धीरे धीरे भारत देश में पहुंचने लगी। अब राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट निकलकर सामने आ रही है। देखोगे अशोक गहलोत की तरफ से ट्विटर के माध्यम से जानकारी शेयर की गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यानी कि जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं राजस्थान बोर्ड की होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया है। हरियाणा बोर्ड के विद्यार्थी भी विचार कर रहे हैं कि कब हमारे एग्जाम्स को कैंसिल करने का नोटिस आए। तो साथियों, कल शिक्षा मंत्री के साथ मनोहर लाल खट्टर जो सीएम है उनकी और आला अधिकारियों की बैठक होनी है, उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा एग्जाम्स को कैंसिल किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा या फिर स्थगित किया जाएगा। इसी के साथ अशोक गहलोत की तरफ से अपडेट दी गई है कि 8वीं बोर्ड के जो छात्र हैं उनको 9वीं में, 9वीं के छात्रों को 10वीं में और 11वीं के छात्रों को 12वीं कक्षा में प्रमोट करने का भी फैसला लिया गया है। यानी कि जो नॉन बोर्ड के विद्यार्थी तो उनको प्रमोट कर दिया गया है, बोर्ड के विद्यार्थी थे उनकी परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया गया है। प्रमोट किया जाता है नहीं किया जाता है उसको लेकर नया कोई अपडेट आएगा तुरंत आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। आपको क्या करना है, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि कोई नई जानकारी आए तो आपको तुरंत प्रभाव से अपडेट मिल सके और आप इस चीज का कंटिन्यू लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।